हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप्स। एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे फॉर्जिंग ऑपरेशन के बारे में। फॉर्जिंग ऑपरेशन के अंदर हमने बात की थी कि फॉर्जिंग क्या है, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि कोई भी हमारे पास मेटल है जिस मेटल को एक हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद जो भी एक सुटेबल फोर्स है, यानी कि एक हाई फोर्स हम अप्लाई करेंगे हमारे वर्क पीस के ऊपर, जो भी हीटेड हमारा क्या है वर्क पीस है उसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे। वो मैनुअली भी कर सकते हैं और बाय मशीन की किसी मशीन की सहायता से। जब मैनुअली एक फोर्स हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे हमारे जो प्लास्टिक स्टेट में आ चुका मेटल है, क्योंकि मेटल को हमने क्या किया हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया, मेल्ट करने से वो प्लास्टिक स्टेट में आ गया और उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, वो मैनुअली भी हो सकती है और मशीन की सहायता से। तो वो जो ऑपरेशन रहेगा वो ऑपरेशन हमारा रहेगा फॉर्जिंग। नेक्स्ट हमने बात की थी फॉर्जिंग के अंदर फॉर्जिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऑपरेशंस थे, टोटल हमारे पास चार तरह के ऑपरेशंस थे। सबसे पहले ऑपरेशन था ड्रॉइंग डाउन। कि ड्रॉइंग डाउन में क्या था कि हम जब कोई हमारे पास मेटल है जिस मेटल को हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो वो क्या होगा जब हम उसको फॉर्जिंग ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे तो उस दौरान क्या होगा कि हमारी जो मेटल होगी मेटल की लेंथ इंक्रीज, या फिर वर्क पीस बोल सकते हो, वर्क पीस की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी लेकिन जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो डिक्रीज होगा। ड्रॉइंग डाउन को हम ड्रॉइंग आउट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो लेंथ होगी हमारे वर्क पीस की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी अपसेटिंग की। तो अपसेटिंग एक तरह से रिवर्स है ड्रॉइंग डाउन का, या ड्रॉइंग आउट जो उसको हम बोलते हैं, तो उसका टोटली रिवर्स होगा जिसके अंदर क्या होगा कि वो अपोजिट हो जाएगी। वहां पे क्या होता है लेंथ इंक्रीज, जहां पे होगा लेंथ वहां पे इंक्रीज हो रही थी, यहाँ लेंथ क्या होनी शुरू हो जाएगी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और जो वर्क पीस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इंक्रीज होना शुरू होगा अपसेटिंग फॉर्जिंग के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की बेंडिंग। तो बेंडिंग के अंदर क्या है कि हमारे पास हीटेड मेटल है, उस हीटेड मेटल को हम एक फिक्सचर के अंदर फिक्स कर देंगे। दो फिक्सचर है, दोनों फिक्सचर के अंदर हमने मेटल को फिक्स किया। मेटल के ऊपर हमारे वर्क पीस के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए हैमर, एक हैमर की सहायता से स्ट्राइक करेंगे, तो वो जो ऑपरेशन रहेगा फॉर्जिंग का वो हमारा कहलाएगा बेंडिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट हमने बात की थी उसके बाद पंचिंग एंड ड्राफ्टिंग की। तो पंचिंग भी क्या है, एक प्रोसेस है जो हम यूज कब करते हैं, जब हमारे पास हीटेड मेटल है, हीटेड मेटल के अंदर होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम पंचिंग एक पंच टूल का यूज करते हैं और उस प्रोसेस को कि एक पंच की सहायता से एक हीटेड वर्क पीस के अंदर होल्स को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस रहेगी वो हमारी कहलाएगी पंचिंग। नेक्स्ट हमने इसी के अंदर बात की थी ड्राफ्टिंग के बारे में। तो ड्राफ्टिंग क्या था कि जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट होल्स है उन होल्स को इनलार्ज करने की जो प्रोसेस रहेगी वो हमारे लिए कौन सी होगी, वो रहेगी ड्राफ्टिंग विद दी हेल्प ऑफ ए स्पेशल टूल। की एक स्पेशल टूल का यूज करके होल्स को इनलार्ज करना वो हमारे लिए रहेगा ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग कॉस्ट के बारे में। उससे पहले एक टॉपिक कर लेते हैं, वो टॉपिक हमारा क्या है, यूजफुल डाटा फॉर एस्टिमेटिंग द वेल्डिंग कॉस्ट इन गैस वेल्डिंग। सबसे पहले जो हमने इस यूनिट के अंदर बात की थी वो टॉपिक हमारा था गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में आपको बताया था कि गैस वेल्डिंग के अंदर एक तरह से वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है, कि गैस वेल्डिंग क्या एक फ्यूजन वेल्डिंग है जिसके अंदर मेटल को जो भी हम आपस में जोड़ रहे हैं, सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वो किसकी सहायता से करेंगे गैस वेल्डिंग के अंदर, विद दी हेल्प ऑफ जो कंबशन ऑफ फ्यूल होगा, कंबशन ऑफ फ्यूल होंगे, फ्यूल गैसेज जो होंगी उनको कंबशन करेंगे, उनको जलाएंगे, उनसे हीट प्रोड्यूस होगी और मेटल को कनेक्ट करेंगे। तो जब हम गैस वेल्डिंग के अंदर एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट का, तो दो हमारे मेथड्स होते हैं जिन मेथड से हम एस्टिमेट कर पाते हैं मटीरियल कॉस्ट का, जो भी कॉस्ट लगेगा टोटली कॉस्ट। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन कॉस्ट। तो प्रिपरेशन कॉस्ट के अंदर आपको बताया था जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वर्क पीस है जिस वर्क पीस को हम आपस में जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, वेल्डिंग करना चाहते हैं, उन वर्क पीस के एजेस हैं उनको एजेस को क्लियर करना, ठीक है, जो भी अदर इरेगुलरिटीज हैं उनके अंदर उन सभी को दूर करने के ऊपर जो भी हमारा कॉस्ट लग रहा है वो रहेगा प्रिपरेशन कॉस्ट। यानी कि वेल्डिंग शुरू होने से पहले हमारा जो वर्क पीस है उस वर्क पीस को तैयार करना वेल्डिंग के लिए, तो उस दौरान जो भी कॉस्ट रहेगा वो हमारा आ जाएगा प्रिपरेशन कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की थी उसी के अंदर वेल्डिंग कॉस्ट के बारे में। तो वेल्डिंग कॉस्ट में आपको बताया था कि टोटल हमारे पास वेल्डिंग कॉस्ट में क्या होगा, चार तरह का कॉस्ट रहेगा। सबसे पहले जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट कौन सा रहेगा, मटेरियल कॉस्ट, सेकंड हमारा लेबर कॉस्ट, थर्ड फिनिशिंग कॉस्ट और फोर्थ होगा ओवरहेड कॉस्ट।
मटेरियल कॉस्ट जो गैस वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए जो भी हम मटेरियल्स यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है, फिलर रोड है, फ्लक्स है, तो ये सारे इन सब पे जो कॉस्ट लगेगा वो मटेरियल कॉस्ट हुआ। लेबर कॉस्ट वो हम कंसीडर करेंगे, उसको ऑप्टेन हम करेंगे वेजेस शीट से, जो भी वेजेस शीट होंगी उन शीट्स के अकॉर्डिंग हम ऑप्टेन कर पाएंगे लेबर कॉस्ट को। नेक्स्ट हमने बात की थी फिनिशिंग कॉस्ट की, तो फिनिशिंग कॉस्ट को हम कैसे कंसीडर करते हैं कि फिनिशिंग कॉस्ट आफ्टर वेल्डिंग, वेल्डिंग होने के बाद जो हमारे पास वर्क पीस आएगा, वेल्डेड ज्वाइंट होगा, उसकी फिनिशिंग करने पे भी जो कॉस्ट होगा वो फिनिशिंग कॉस्ट होगा। नेक्स्ट हमने बात की उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट, तो ओवरहेड कॉस्ट की जो भी हमारा कॉस्ट लग रहा है डायरेक्ट कॉस्ट उसको छोड़ के, बाकी जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जैसे कि हमारे मटेरियल है, मटेरियल को पैक करने का कॉस्ट, मटेरियल को सेल करने का कॉस्ट, तो वो सारा कॉस्ट रहेगा वो हमारा कौन सा कहलाएगा, ओवरहेड कॉस्ट। तो उसी के अंदर हमने ये बात करनी है कि एक यूजफुल डाटा, ये आपके पास एक डाटा है जो आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद उन न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। अलग अलग होगा, गैस वेल्डिंग के अलग है, गैस कटिंग के लिए अलग डाटा होगा, और इसके अलावा जो हमारा रहेगा फॉर्जिंग होगा, जब फॉर्जिंग के लिए अलग होगा, गैस आर्क वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है उसके लिए डाटा अलग से रहेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गैस वेल्डिंग की, तो गैस वेल्डिंग में मान लीजिए कि अगर आपको, या आपको याद रखना होगा डाटा कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई प्लेट है जिस प्लेट को हम वेल्ड करना चाहते हैं, उस प्लेट की थिकनेस अगर 1 mm है, अगर प्लेट की थिकनेस 1 mm है और हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए लेफ्टवर्ड, दो टेक्निक्स होती है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, अगर हम लेफ्टवर्ड टेक्निक का यूज कर रहे हैं, थिकनेस 1 है और डायमीटर हमारी फिलर रोड का वो भी हमारा कौन सा होगा 1 mm का, कि डायमीटर हमारा कितना रहेगा 1 mm का डायमीटर होगा फिलर रोड का, और प्लेट की थिकनेस होगी वो भी 1 mm रहेगी। उस दौरान जो हमारी O2 है यानी कि ऑक्सीजन की जो हमारी कंजप्शन होगी वो कितनी रहेगी, वो होगी 0.04, ठीक है, मीटर क्यूब पर आवर, यानी कि 0.04 मीटर क्यूब पर आवर कब रहेगी, O2 की कंजप्शन कब होगी, जब हमारी प्लेट की थिकनेस 1 mm है और डायमीटर ऑफ फिलर रोड भी 1 mm है। इसी तरह जो एस्टिलीन है तो एस्टिलीन की कंजप्शन कितनी होगी गैस की, 0.02, और वेल्डिंग टाइम जो लगेगा वो टोटल लगेगा 9 से लेके 11, ठीक है, 9 to 11 मिनट पर मिनट, यानी कि 1 मीटर के लिए 9 से लेके 11 मिनट का टाइम लगेगा वेल्ड करने के लिए, और जो लेंथ ऑफ फिलर रोड की होगी वो मैक्सिमम 1 मीटर की लेंथ होगी, लेंथ होगी 1 मीटर की, डायमीटर होगा 1 mm का, प्लेट की थिकनेस होगी 1 mm, उस दौरान हमारी O2 की कंजप्शन इतनी रहेगी, C2, S2 की जो कंजप्शन होगी वो रहेगी 0.02। तो इसी तरह डाटा होगा, इसी तरह अगर हमारी थिकनेस 2 है, ठीक है, 2 थिकनेस है, तो फिलर रोड का डायमीटर जो होगा वो भी 2 होगा, कंजप्शन है वो क्या हो जाएगी 0.10, और जो एस्टीन की कंजप्शन वो 0.04 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे वही रहेगा, टाइम जो लगेगा वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, यानी कि 10 टू 11 हमारा टाइम लगेगा, और जो फिलर लेंथ होगी वो 1.5 रहेगी। इसी तरह अगर हम लेफ्टवर्ड की बात करें कि हमारी थिकनेस प्लेट की 5 हो गई, तो उस दौरान जो डायमीटर रहेगा हमारी फिलर रोड का वो 3 से लेके 4 के बीच बीच में रहेगा, कंजप्शन होगी 0.21 की O2 की, और C2H2 की जब कंजप्शन होगी 0.14। इसी तरह अगर हम राइट वर्ड की बात करें, थिकनेस हमें 8 दे दी, राइट वर्ड की थिकनेस हमें 25 दे दी, तो अलग अलग हमारे पास क्या रहेगी, O2 की कंजप्शंस और C2H2 यानी कि एस्टिलीन की कंजप्शंस भी क्या होगी, अलग अलग थिकनेस के लिए अलग अलग फिलर रोड के डायमीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगी। तो ये एक टेबल होगी जो कि आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद हम एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग कॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये डाटा है, इस डाटे को याद रखना क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इनके बेस पे, तो वहां पे आपके काम आएंगे। नेक्स्ट अब हम करते हैं एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग कॉस्ट। फॉर्जिंग आपको बता दिया था कि फॉर्जिंग क्या है, फॉर्जिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, कि इन दिस मेटल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे हीट करेंगे to bring it into plastic state, और उसको एक plastic state के अंदर लेके आएंगे, then force apply, और उसके बाद हम एक force apply करेंगे, किसके लिए, ताकि हम जो हमारे पास metal है, जिस metal को हम plastic state के अंदर लेके आए हैं, उसको एक given जो भी desired shape है, वो shape हम provide करवा सके। Next अब हम बात करते हैं estimation of forging cost का, topic रहेगा estimation of
एस्टिमेशन ऑफ फोर्जिंग कॉस्ट। तो एस्टिमेशन ऑफ फोर्जिंग कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो टोटल तीन हमारे मेथड रहेंगे जिन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं फोर्जिंग कॉस्ट को। वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ वेट, कि जो भी हमारे पास मेटल है उस मेटल के वेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ वेट। सेकंड होगा एस्टिमेशन ऑफ लॉस, और थर्ड रहेगा एस्टिमेशन ऑफ टाइम। तो टोटल तीन मेथड्स होंगे जिन मेथड्स की सहायता से हम एस्टिमेट कर सकते हैं फोर्जिंग कॉस्ट को। कौन कौन सा? सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ वेट, सेकेंड एस्टिमेशन ऑफ लॉस, थर्ड रहेगा एस्टिमेशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे लिए? एस्टिमेशन ऑफ वेट। फर्स्ट रहेगा एस्टिमेशन ऑफ वेट। तो देखिए एस्टिमेशन ऑफ वेट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेक अप द ड्रॉइंग ऑन द स्मॉल जॉब्स, कि जो भी हमारी जॉब है उस जॉब को हम क्या कर देंगे, जो भी हमारी जॉब की ड्राइंग है उस ड्राइंग को हम ब्रेकअप कर देंगे, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि हम उसके वेट को क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके, वेट को एस्टिमेट कर सके। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, ब्रेकअप द ड्राइंग ऑफ द जॉब इंटू सुटेबल ज्योमेट्रिकल सेक्शंस, कि जो भी हमारी जॉब की ड्राइंग है, हमारे पास क्या है, एक जॉब है जिस जॉब को हम बनाना चाहते हैं, उस जॉब की ड्राइंग है, तो उस ड्राइंग को हम एक सुटेबल छोटी छोटी क्या करेंगे, सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो किसके लिए, ताकि हम एस्टिमेट कर पाए वेट को। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं ब्रेकअप द, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रहेगा ब्रेकअप द, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रहेगा ब्रेकअप द ड्रॉइंग ऑफ जॉब, ब्रेकअप द ड्रॉइंग ऑफ जॉब डिवाइडेड, या फिर जॉब जो भी होगी उसको हम ब्रेकअप कर देंगे, कि ब्रेकअप द ड्रॉइंग ऑफ जॉब इनटू सुटेबल ज्योमेट्रिकल सेक्शन, कि छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल सेक्शंस के अंदर हम क्या कर देंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सेक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया कि ड्राइंग थी, ड्राइंग किस चीज की, जो जॉब है हमारी, जो फोर्जिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के हमारे पास एक ड्राइंग है, उस ड्राइंग को सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर, यानी कि सेक्शन के अंदर बांट देंगे, कि ब्रेकअप द ड्राइंग ऑफ जॉब, ब्रेकअप यानी कि तोड़ना, तोड़ देंगे इनटू सुटेबल ज्योमेट्रिक सेक्शन, सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सेक्शन, जितने भी सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है हमारे ड्राइंग ऑफ जॉब को, उन सेक्शंस की वॉल्यूम को, प्रत्येक सेक्शन की वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट रहेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सेक्शन, सेकंड होगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सेक्शन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सेक्शन, कि जितने भी सेक्शन हैं उन सेक्शन की जो भी वॉल्यूम रहेगी उस वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। थर्ड पॉइंट फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड। इसके बाद ईच सेक्शन के अंदर जो भी हमारी वैल्यू थी उसको हमने फाइंड किया, फाइंड करने के बाद थर्ड जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या होगा, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड, जो ऑपरेशन के लिए, जो हमारी ड्राइंग है, जो ड्राइंग हम जॉब तैयार कर रहे हैं उस जॉब के लिए जो टोटल हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करना। तो हम क्या लिखेंगे, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट होगा फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, कि जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है टोटल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना। लास्ट जो रहेगा कैलकुलेट द वेट ऑफ मटेरियल, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर पाएंगे हमारे मटेरियल के वेट को, और लास्ट पॉइंट रहेगा कैलकुलेट द वेट ऑफ मटेरियल, लास्ट होगा कैलकुलेट द वेट ऑफ मटेरियल।
कर सकते हैं जो हमारे मटेरियल्स हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ मटेरियल, जो हमारा मटेरियल है उस मटेरियल के वेट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये रहेगा हमारा एस्टिमेशन ऑफ फोर्जिंग कॉस्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, एस्टिमेशन ऑफ वेट। क्योंकि आपको बताया टोटल तीन पॉइंट्स रहेंगे, एस्टिमेशन ऑफ वेट, एस्टिमेशन ऑफ लॉस, एस्टिमेशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात की, एस्टिमेशन ऑफ वेट, तो क्या है, ब्रेक अप द ड्राइंग ऑफ जॉब इनटू स्मॉल सुटेबल ज्योमेट्रिक सेक्शंस, कि जो हमारी ड्राइंग बुक की होगी, जॉब की ड्राइंग होगी, उस ड्राइंग को स्मॉल ब्रेकअप कर देंगे, तोड़ देंगे, ज्योमेट्रिकल सेक्शंस में हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ईच सेक्शन की वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड होने के बाद टोटल वॉल्यूम जो है मटीरियल रिक्वायर्ड, जो टोटल वॉल्यूम मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में हम कर देंगे कैलकुलेट द वेट ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, वो होगा एस्टिमेशन ऑफ लॉस, एस्टिमेशन ऑफ लॉस, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस। तो एस्टिमेशन ऑफ लॉस के अंदर हमारे फर्दर आगे 5 पॉइंट्स रहेंगे, जिन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रहेगा टर्म लॉस, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, टर्म लॉस। तो अब देखिए टर्म लॉस ये क्या होता है, टर्म लॉस कि वाहिल परफॉर्मिंग फॉर्जिंग ऑपरेशन द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द जॉब इन द टर्म, कि जब भी हम फॉर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो कुछ लेंथ जो हमारे स्टॉक की होती है वो रिक्वायर्ड होती है होल्ड करने के लिए जॉब को फिक्स्चर के अंदर। जो भी हमारा जॉब होल्डर होगा जिसका काम जॉब को होल्ड करना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, सम लेंथ ऑफ स्टॉक कि कुछ लेंथ है, जो भी हमारे मटेरियल की लेंथ है वो कुछ लेंथ हमें रिक्वायर होगी ताकि हम जॉब को क्या कर सके, होल्ड करके रख सके। दिस लेंथ इज एक्स्ट्रा लेंथ विच इज रिमूव्ड एट द एंड, और ये लेंथ कौन सी होती है, वो एक्स्ट्रा लेंथ होती है जिस लेंथ को हम बाद में रिमूव कर देते हैं, यानी कि जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, उस ऑपरेशन को कंप्लीट होने के बाद वो लेंथ जो एक्स्ट्रा होती है उस लेंथ को हम रिमूव कर देते हैं, और इसी लेंथ को हम बोलते हैं, ये जो लेंथ लॉस होता है कॉस्ट लॉस, इसको बोलते हैं टर्म लॉस। ये हमारा क्या कहलाता है, टर्म लॉस लिख सकते हैं। दिस लॉस मे बी टेकन 2-3 सेंटीमीटर ऑफ स्टॉक लेंथ, ये जो लेंथ होगी वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच बीच में रहेगी। तो टर्म लॉस में लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि वाइल परफॉर्मिंग फॉर्जिंग ऑपरेशन, जा इन फॉर्जिंग ऑपरेशन सम लेंथ ऑफ स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द जॉब इन द टर्म, कि कुछ लेंथ ऑफ स्टॉक हमें चाहिए होता है ताकि हम जॉब को होल्ड कर सके टर्म के अंदर। टर्म के अंदर क्या लिख सकते हैं, इन फॉर्जिंग ऑपरेशन सम लेंथ ऑफ स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द जॉब इन टर्म, कि जो टर्म है वहां पे होल्ड करने के लिए कुछ लेंथ हमें रिक्वायर चाहिए। दिस लेंथ इज एक्स्ट्रा लेंथ, और ये जो लेंथ होती है ये लेंथ एक्स्ट्रा लेंथ होती है विच इज रिमूव्ड एट द एंड, और जिसको हम क्या कर देते हैं एट द एंड क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, विच इज रिमूव्ड एट द एंड, और एट द एंड हम क्या करेंगे, उस लेंथ को रिमूव कर देंगे। ये लेंथ रहेगी जो लॉस होगा वो कितना होगा, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच में। हम लिख सकते हैं this loss may be taken as 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्ट्रोक, कि स्ट्रोक की लेंथ का हमारा कितना रहेगा, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस के अंदर। तो देख लीजिए एक बार स्टार्टिंग से, टॉपिक हमने शुरू किया एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग कॉस्ट। तो फॉर्जिंग कॉस्ट के अंदर हमारा टोटल तीन तरह के एस्टिमेशन रहेंगे कॉस्ट के लिए। सबसे पहले होगा कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ वेट, सेकंड रहेगा एस्टिमेशन ऑफ लॉस, थर्ड रहेगा एस्टिमेशन ऑफ टाइम। तो फर्स्ट पॉइंट की बात की तो फर्स्ट पॉइंट में 4 पॉइंट रहेंगे हमारे, कौन कौन से,
सबसे पहले ब्रेक डाउन द ब्रेकअप द ड्रॉइंग ऑफ जॉब, जो हमारी जॉब है उसको ब्रेकअप करेंगे ज्योमेट्रिकल सेक्शंस के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईच सेक्शन के अंदर वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है, टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड के लिए चाहिए। लास्ट पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द वेट ऑफ मटेरियल, और लास्ट पे हम मटेरियल का जो भी वेट है उस वेट को कैलकुलेट करके एस्टिमेट कर सकते हैं वेट को, तो एस्टिमेशन ऑफ वेट निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमने सेकंड पॉइंट बात की, सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, एस्टिमेशन ऑफ लॉस। तो एस्टिमेशन ऑफ लॉस के अंदर टोटल 5 पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टॉम लॉस। तो टॉम लॉस के अंदर हमने क्या बात की कि इन फॉर्जिंग ऑपरेशन की, जब हमारा फॉर्जिंग ऑपरेशन होता है, सम लेंथ ऑफ स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द जॉब इन टॉम। कुछ लेंथ हमें चाहिए होती, मान लीजिए ये हमारी जॉब है, तो इस जॉब की कुछ लेंथ हमें चाहिए होगी जिस लेंथ को हम क्या कर सके, टॉम के अंदर होल्ड करके रख सके। और ये जो पीछे वाली लेंथ रहेगी, जिसको लेंथ को हमने होल्ड किया, ये लेंथ हमारी एक्स्ट्रा लेंथ होगी जिसको एट द एंड हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और ये जो लेंथ होती है जो टॉम के अंदर हम होल्ड करके रखते हैं, ये 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के बारे में, एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस के अंदर। सेकेंड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा फ्लैश लॉस, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश लॉस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकेंड जो हमारा पॉइंट रहेगा किसके अंदर, एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग कॉस्ट के अंदर, एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस में सेकेंड जो पॉइंट होगा वो रहेगा फ्लैश लॉस। सेकेंड रहेगा फ्लैश लॉस, एक्स्ट्रा मैटर विच कम्स आउट बिटवीन टू मेटिंग सरफेस ऑफ द डाई। कि कोई हमारी डाई है, उस डाई के जो डाई है, डाई के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जॉब को फिक्स कर रहे हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान जो एक्स्ट्रा मैटर कम्स इन बिटवीन द टू मेटिंग सरफेस, यानी दो सरफेसेस के बीच में जो एक्स्ट्रा मैटर एग्जिस्ट कर रही है डाई के अंदर, वो हमारे लिए रहेगी फ्लैश लॉस, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश लॉस। तो क्या लिख सकते हैं कि दिस इज द एक्स्ट्रा मैटर Which comes out between two mating surface of the dye. जो dye है, dye के दो surfaces के बीच में जो extra metal exist कर रही है, वो हमारे लिए क्या होगा, flash loss। इसके अलावा this loss may be calculated assuming it to 20 mm wide and 3 mm thick। और ये जो loss होगा, जो extra metal आई हुई है, ये कितनी होगी, 20 mm तो wide होगी और 3 mm क्या रहेगी, thick होगी। तो हम लिख सकते हैं flash loss के अंदर कि flash loss क्या होता है, this is the extra metal। फ्लैश लॉस हम किसको बोलेंगे, दिस इज द एक्स्ट्रा मेटल विच कम्स आउट बिटवीन टू मेटिंग सरफेस। ये कौन सी होगी, बिटवीन टू मेटिंग सरफेस ऑफ द डाई। ठीक है, दिस इज कैलकुलेटेड एज 20 mm wide एंड 3 mm thick। 20 mm wide होगी और 3 mm क्या रहेगी, थिक होगी। तो वो हमारे लिए कौन सी होगी, जो एक्स्ट्रा मेटल है जो डाई के सरफेस के बीच में आ रही है, दो मेटिंग सरफेसेस के बीच में आ रही है, वो एक्स्ट्रा मेटल रहेगी, फ्लैश लॉस। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड हमारा कौन सा होगा, थर्ड रहेगा स्केल लॉस। तो अब देखिए स्केल लॉस में हम क्या लिख सकते हैं कि द आउटर सरफेस ऑफ द हॉट मेटल, जो हॉट मेटल है, जो हमारी हीटेड मेटल है, जिस मेटल को हमने हाई टेंपरेचर पे हीट किया है, उस मेटल का जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस जो होता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। फिल्म गेट्स ब्रोकन डाउन, कि ऑक्सीडाइज की वजह से जो गैस ऑक्सीडाइजेशन होगी, उसकी वजह से जो उसकी फिल्म होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी ड्यूरिंग हैमरिंग। कि जैसे ही हम हैमरिंग यानी कि हैमर का यूज करेंगे, हैमर से ब्रो करवाएंगे हमारे वर्क पीस के ऊपर जो हीटेड हमारा मेटल है, तो उसके ऊपर जो फिल्म होगी गैस ऑक्सीडाइड की, वो क्या हो जाएगी,
ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो हमारी लॉस होगा वो हमारा नेट वेट का कितना रहेगा, 6%, 6% हमारा क्या रहेगा नेट वेट का लॉस। तो हम लिख सकते हैं स्केल लॉस के अंदर कि द आउटर सरफेस ऑफ द हॉट मैटर, द आउटर सरफेस, द आउटर सरफेस ऑफ, द आउटर सरफेस ऑफ हॉट मैटर, द आउटर सरफेस ऑफ अ हॉट मेटल गैस ऑक्सीडाइज, गैस ऑक्सीडाइज, गैस ऑक्सीडाइज फिल्म गेट्स ब्रेक डाउन, गेट्स ब्रेक डाउन वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, या फिर हम लिख सकते हैं गेट्स ब्रोकन डाउन, गेट्स ब्रेक डाउन, गेट्स ब्रेक डाउन ड्यूरिंग हैमरिंग, गेट्स ब्रेक डाउन ड्यूरिंग हैमरिंग, कि जब हम हैमरिंग करेंगे, हैमर का यूज करेंगे तो उस दौरान क्या हो जाएगी, हैमरिंग का यूज करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी हैमरिंग, और ये कितनी होगी 6% ऑफ द नेट वेट, जो हमारी वेट है उसका टोटल का 6%। इट इज अज्यूम्ड एट, इट इज अज्यूम्ड एट, इट इज अज्यूम्ड एट 6% ऑफ द नेट वेट, ऑफ द नेट वेट, जो नेट वेट रहेगा उसका 6% रहेगा, जो ब्रेक डाउन हो गया है हमारा मटेरियल किसकी वजह से, हैमरिंग ऑपरेशन की वजह से। तो स्केल लॉस के अंदर देखिए स्केल लॉस क्या है, दिस इज स्केल लॉस में क्या लिख सकते हैं, द आउटर सरफेस ऑफ हॉट मेटल गैस ऑक्सीडाइज फिल्म गेट्स ब्रेक डाउन, कि जब हमारा आउटर सरफेस है मेटल का, जो हीटेड मेटल है उसके ऊपर गैस ऑक्सीडाइज की फिल्म है, वो क्या हो जाती है कई बार ब्रेक डाउन हो जाती है ड्यूरिंग हैमरिंग की, जैसे ही हम हैमरिंग ऑपरेशन करते हैं, हैमर का यूज करते हैं तो उसकी वजह से हैमर को स्ट्राइक करवाते हैं तो वो ही हॉट मेटल के ऊपर जो गैस ऑक्सीडाइज की फिल्म होती है वो ब्रेक डाउन होती है, उसकी वजह से ये कितना होता है टोटल नेट वेट का 6% रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा रहेगा शियर लॉस, फोर्थ पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं तो फोर्थ हमारा कौन सा रहेगा, शियर लॉस। तो अब देखिए शियर लॉस में हम क्या बात कर सकते हैं कि द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वर्कपीस फॉर फॉर्जिंग आर कट फ्रॉम लॉन्ग बार बाय सॉइंग, कि जो हमारे साह होते हैं, जो हमारे कटर साह होते हैं, हेक्सा होते हैं, उनकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें एक रिक्वायर्ड साइज चाहिए, हमारे पास क्या है एक लॉन्ग वर्कपीस है, लॉन्ग वर्कपीस में से एक रिक्वायर्ड साइज को हम कट कर रहे हैं, तो उस दौरान जो लॉस होगा वो लॉस रहेगा शियर लॉस, कि द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वर्कपीस फॉर फॉर्जिंग आर कट फ्रॉम लॉन्ग बार बाय साइंग, कि एक कटर की सहायता से लॉन्ग बार में से फॉर्जिंग के लिए एक स्मॉल वर्कपीस को, जो हमें वर्कपीस रिक्वायर्ड है उस साइज के वर्कपीस को कट करना, तो वो हमारा कितना होगा उस वेट को, वो जो नेट वेट का रहेगा वो होगा 5%, टोटल नेट वेट का कितना होगा 5%। तो शियर लॉस के अंदर हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वर्कपीस, द रिक्वायर्ड साइज ऑफ, द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वर्कपीस, द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वर्कपीस आर वर्कपीस फॉर फॉर्जिंग, फॉर फॉर्जिंग आर कट फ्रॉम, फॉर्जिंग आर कट फ्रॉम लॉन्ग बार, लॉन्ग बार, जो हमारी लॉन्ग बार होंगी उनमें से कट करेंगे, लॉन्ग बार बाय स्वाइंग, बाय स्वाइंग, और ये कितना होगा, इट इज अज्यूम्ड एट द 5%, ये कितना रहेगा, इट इज अज्यूम्ड एट, इट इज अज्यूम्ड एट 5% ऑफ द नेट वेट, ऑफ द नेट वेट, जो नेट वेट रहेगा, नेट वेट का टोटल कितना रहेगा 5% होगा, तो वो हमारे लिए कौन सा होगा, शियर लॉस। तो लास्ट हमारा रह गया स्पर लॉस, उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में, और एस्टिमेशन ऑफ टाइम, फाउंड्री, फाउंड्री के एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में, इन टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना काफी।